हूटिंग हो रही होती है, तालियां बज रही होती है, शोर शराबा हो रहा होता है, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है। और मैं कराची से दुनिया न्यूज लाहौर गई इंटर्नशिप के लिए। मैंने जर्नलिज्म नहीं पढ़ा, मैंने जो सोचा वो पा लिया और उन जिन टीम को एंकर बनाना था उनमें मेरा नाम भी आ गया। मैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में बीबीए कर रही थी और नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा था और थोड़ा सा मेरा अपना भी इसमें अमल दखल है कि मैंने भी थोड़ी सी मेहनत की है। दूसरा क्रेडिट मैं मामा के बाद अगर किसी को दूंगी तो वो मैं दूंगी। एक वक्त था जब मुझे तकरीबन कमोबेश 3000 से जायद शेर बयक वक्त याद थे। किसी भी इंसान को बनाने में मुझे लगता है वालिदैन का बहुत बड़ा रोल होता है। तलफ्फुज, अदायगी, फने खिताबत। देन आई बिकेम नेशनल डिबेट चैंपियन पाकिस्तान 2011। तो मैं बात शुरू करूंगी डिबेट से कि डिबेट ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे एंकर बनना चाहिए। वेलकम जी, मैं हूँ राफिया अवान और आप सबका ये सवाल कि मैं एंकर कैसे बनी, उस हवाले से बहुत ज़्यादा कमेंट्स मैंने रिसीव किए तो सोचा कि अपनी जर्नी आपसे शेयर की जाए क्योंकि यू पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो दिस कि मैं एंकर कैसे बनी। इस सवाल के जवाब के लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा, मुझे अपनी स्कूल लाइफ में जाना पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं। स्कूल लाइफ में आई वॉज वेरी एक्सेप्शनल स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स जो साथ साथ एजुकेशन में भी अपना नाम बना रहे हैं, इंटेलिजेंट हैं, अच्छे ग्रेड्स ला रहे हैं, साथ साथ में जो गैर निसाबी सरगर्मियां हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं आई वॉज दैट वन चाइल्ड जो कि बैतबाजी का मुकाबला हो, तकरीर का मुकाबला हो, टेबलो हो, नात हो, हमद हो, एनी थिंग, और मैं इसमें पार्टिसिपेट करती थी। प्लस मैं निज़ामत भी किया करती थी, यानी कि होस्टिंग। तो बहुत देर से मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि मैंने एंकर बना, लेकिन स्कूल लाइफ में एक चीज़ जिसने एंकरिंग के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया वो था कॉन्फिडेंस, इनकरेजमेंट। जब आप अपनी जो कोकरल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके क्लास फेलोज इनकरेज करते हैं, टीचर्स, फैमिली, ननियाल ददियाल से अप्रिसिएशन मिलती है, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डिवेलप होता है कि येस आई कैन डू दिस। प्लस मेरी वालदा तालीम याफ्ता खातून थी, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, हमारे दरमियान नहीं है वो, और प्रोफेसर थी वो, तो तालीम याफ्ता होने की वजह से किताब से दोस्ती, अखबार से दोस्ती, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ मुकाबलों में लेकर जाना और जहाँ भी स्कूल के मुकाबले होते थे वहाँ मुझे लेकर जाना, पार्टिसिपेट करवाना, मेरी हौसला अफजाई करना, ये उनका काम होता था। शी वॉज़ वेरी मच बिजी इन माई लाइफ, मुझे कुछ बनाने में वो बहुत मसरूफ़ रही पूरी ज़िंदगी। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है एंकरिंग के लिए। तमाम एंकर्स जो टीवी पे बैठ के बात करते हैं, पहली चीज़ मैं समझती हूँ जो है इम्पॉर्टेंट वो है कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर खुद एतमादी होती है तो आप कोई भी मुश्किल काम कर लेते हैं या कम से कम आप वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो स्कूल लाइफ में तकरीरी मुकाबलों में मैंने कुछ नुमाया कारकर्दगी दिखाई। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी, बैतबाजी में भी और दूसरी चीज़ों में भी, लेकिन ये हाईलाइट हुआ, डिबेट हाईलाइट हुई। तो मेरी वालिदा को ये लगा कि आई एम अ गुड डिबेटर, तो उन्होंने डिबेट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। बहुत सारी टाइप्स हैं स्पीचेस की, वो सारी टाइप्स मैंने ट्राई की स्कूल लेवल में भी, स्कूल के बाद में भी, फिर कॉलेज में भी, फिर इंटर स्कूल मुकाबले, फिर इंटर कॉलेज मुकाबले, फिर इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबले, और फिर ऐसे करते 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 सिंध लेवल के मुकाबले जीते और फिर नेशनल लेवल के मुकाबले जीते और देन आई बिकेम नेशनल डिबेट चैम्पियन पाकिस्तान 2011। 2011 में जब मैं नेशनल डिबेट चैम्पियन बनी पाकिस्तान की और मुझे एजाजात दिए गए गवर्नर हाउस में, उस दिन मैंने खुद ब खुद ये रियलाइज़ किया, ये किसी ने आकर मुझे बताया नहीं कि मुझे एंकर बनना है। उस दिन खुद ब खुद जब मैं वो प्राइज़ मनी लेकर और सर्टिफिकेट लेकर जब मैं वापस घर आई तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि आई एम डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ एक्सेप्शनल काम मैं कर रही हूँ और मैं कर सकती हूँ, तो मुझे इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि मुझे कुछ और करना है, कुछ हट के करना है। लाइव ऑडियंस के सामने जब आप बात करते हैं तो उस ऑडियंस का फीडबैक आपको लाइव ही मिल जाता है, हूटिंग हो रही होती है, तालियां बज रही होती है, शोर शराबा हो रहा होता है, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है उन तमाम लोगों के लिए जो मुकर्ररीन होते हैं, वो लाइव इसको एक्सपीरियंस करते हैं और ये आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत अहम रोल प्ले करता है। तकरीरी मुकाबले बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं एक एंकर के लिए, वो इस तरह से, मैं आपको अपनी मिसाल दे देती हूँ, तलफ्फुज़, अदायगी, फ़न खिताबत और गुफ्तगू, नशस्त व बर्खास्त, आपका अपना अंदाज, आपकी शख्सियत, ख़ुद को कैरी कैसे करना है, ये तराश खराश आपकी तकरीरी मुकाबलों का जो वक्त होता है उस ड्यूरेशन में हो जाती है। हर एक चीज़ के नंबर्स होते हैं तकरीर के अंदर, क्योंकि लिबास से लेकर, गुफ्तगू से लेकर, आवाज़ से लेकर, अंदाज से लेकर, कॉन्टेंट तक
हर चीज़ के मार्क्स होते हैं तकरीरी मुकाबलों में। मैं अगर पाकिस्तानी मसाइल पर तकरीरी मुकाबलों में बात कर रही हूँ और उसको इतनी पब्लिक सुन रही है, गवर्नर इशरत लिबाद थे उस टाइम पे, वो बैठ के सुन रहे हैं, मिनिस्टर्स बैठ के सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं कोई एक्सेप्शनल काम कर रही हूँ। मुझे इसको आगे लेके जाना है। किसी भी इंसान को बनाने में मुझे लगता है वालिदैन का बहुत बड़ा रोल होता है। वालिदैन अपने बच्चे को कितना पॉजिटिव ट्रीट करते हैं और उन्हें कैसे लेते हैं उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के काम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी माँ ने मेरे ऊपर बहुत तवज्जो दी, बेतहाशा। एक वक्त था जब मुझे तकरीबन कमोबेश 3000 से जायद शेर बयक वक्त याद थे, नज़में लंबी लंबी याद थी, किताबें पी रखी थी। मुझे इतना भी याद होता था कि कौन से सफ़े पे स्कूल की बुक में क्या लिखा हुआ है। तो मेरी वालिदा का बहुत बड़ा इसमें रोल है मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। उन्होंने मुझे हमेशा अच्छा कहा, राफिया अच्छा कर रही हो, यू आर माई प्रिंसेस, यू आर माई डॉल, यू आर अचीवर, यू आर अ वॉरियर, हमेशा मुझे इन नामों से पुकारती थी। तो वो चीज़ें मेरे अंदर, मेरी शख्सियत के अंदर आना शुरू हो गई कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ। दूसरा क्रेडिट मैं मामा के बाद अगर किसी को दूंगी तो वो मैं दूंगी सोसाइटी को, मवाके। मुझे अच्छे असातिज़ा मिले, अच्छा स्कूल, अच्छे फ्रेंड्स मिले जिन्होंने हमेशा बकअप किया, माहौल मुझे बहुत अच्छा मिला, चाहे स्कूल था, कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी या मेरी प्रोफेशनल लाइफ थी। मुझे हमेशा लोग अच्छे मिले और सिखाने समझाने वाले, लेकर चलने वाले, डिस्करेज करने वाले लोग मुझे नहीं मिले। और तीसरा क्रेडिट और आखिरी क्रेडिट मैं दूंगी अपने आप को, और वो ये इसलिए दूंगी कि इंसान के अपने ऊपर भी बहुत मैटर करता है कि वो इंसान कैसा है। तो मैं केयरलेस कभी भी नहीं थी, मैं हमेशा आई वॉज ऑन टाइम, और मुझे ऑर्गेनाइज होने का बहुत हमेशा फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। तो ये तीन क्रेडिट्स मैं दूंगी अपनी वालिदा को, इस सोसाइटी को जिसने मुझे बनाया है, और थोड़ा सा मेरा अपना भी इसमें अमल दखल है कि मैंने भी थोड़ी सी मेहनत की है ताकि मैं अपने मुस्तकबिल को आगे बढ़ा सकूँ। एजुकेशन मेरी क्या है, मैंने जर्नलिज्म नहीं पढ़ा, मैंने BBA किया, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मैंने MBA किया, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद मैंने MPhil किया। ह्यूमन रिसोर्स की एक सब टाइप है, सब ब्रांच कह लें, वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये पूरी एक साइंस है, इसके ऊपर मैंने MPhil किया है। अब बात कर लेती हूँ ट्रेनिंग्स की। तो ट्रेनिंग्स मैंने पाकिस्तान में भी की हैं, पाकिस्तान से बाहर भी की हैं। पहले कुछ इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स के बारे में आपको बता देती हूँ, फिर पाकिस्तान की ट्रेनिंग्स की बात करेंगे। जब मैं डॉचे वेला गई, वहाँ पर मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की हैं, एक वीडियो एडिटर क्या करता है, लिखा कैसे जाता है, ब्लॉग कैसे लिखते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, सोशल मीडिया स्टोरीज़ को कैसे डेवलप किया जाता है, बाहर जाते हैं तो लाइव हिट कैसे करते हैं, इंटरनेशनल ख़बरों का कंपैरिजन क्या होता है, मच मोर, चाहे वो क्राइसिस मैनेजमेंट हो, मोबाइल जर्नलिज्म हो, या फिर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स हो, जैसे कि कंप्यूटर पर जो नए सॉफ्टवेयर हैं, ERPs वगैरह, उनको कैसे चलाया जाता है। दैट वाज अ ह्यूज 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 ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद मुझे मौका मिला कि मैं DW उर्दू के साथ काम कर सकूँ। मैंने वहाँ पर फिर ब्लॉग्स लिखे, आर्टिकल्स लिखे, वीडियोस क्रिएट की, बहुत सारा काम मैंने वहाँ पर किया। फिर मैं बर्लिन चली गई, बर्लिन में मैंने वहाँ के सोशल मीडिया और इंग्लिश TV के लिए काम किया, वहाँ पर बहुत काम सीखा, बहुत मज़े के अच्छे लोग मिले, बहुत से पाकिस्तानी, इंडियंस भी मिले और बंगाली भी मिले, इंडोनेशियन भी मिले। तो बहुत ही ज़बरदस्त इंटरकल्चरल एक्सपीरियंस रहा मेरा इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स का। अब पाकिस्तान की ट्रेनिंग्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में मुझे याद है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, मेरी पहली इंटर्नशिप थी दुनिया न्यूज़ लाहौर में। मैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में BBA कर रही थी और नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा था और एक में कहीं लिखा हुआ था छोटा सा दूर सा कि हमें न्यूज़ इंटर्न चाहिए। तो मैंने उसका प्रिंट आउट लिया और मैं पहुँच गई अपने प्रेसिडेंट साहब के पास कि मुझे ये इंटर्नशिप करनी है। तो मैंने ईमेल की दुनिया न्यूज़ लाहौर और मैंने अपना CV बनाकर भेजा, उनसे बात की, फिर उन्होंने मेरा कराची में एक ऑडिशन लिया न्यूज़ इंटर्न के लिए। फिर उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि आप BBA करेंगे और आपने करना न्यूज़ है, तो मैंने कहा ये रास्ते में मैंने ये आइडेंटिफाई किया है कि मुझे एंकर बनना है, लेकिन डिग्री जो कर रही हूँ मैं उस डिग्री को मुकम्मल करूँगी, मुझे लगता है कि ये डिग्री मुझे ज़्यादा नॉलेज देके जाएगी एज़ कम्पेयर टू जर्नलिज्म की डिग्री के। और यकीन माने ऐसा ही हुआ। खैर, उन्होंने मुझे इंटर्नशिप दी और मैं कराची से दुनिया न्यूज़ लाहौर गई इंटर्नशिप के लिए। दैट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे बाबा नहीं मान रहे थे, मेरी वालदा नहीं मान रही थी, लेकिन मैं ज़िद थी पक्की कि जाना है। तो खैर, ऐसा कम ही सुनने में आया होगा कि बायर कोई फ़्लाइट लेके कोई इंटर्न जा रहा है दूसरे सिटी इंटर्नशिप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। मैं ये देखना चाहती थी मीडिया हाउसेस काम कैसे करते हैं। ये वो पॉइंट था जब मैंने ये डिसाइड करना था कि मुझे मीडिया में जाना है या नहीं जाना है। तो दुनिया न्यूज़ लाहौर में मेरे ख्याल से मैं ऑलमोस्ट कोई 2 महीने वहाँ काम किया। वहाँ पे मेरे अलावा 16 इंटर्न्स थे। फिर ये हुआ कि उन 16 में से 3 को उन्होंने एंकर बनाना था
और उन जिन टीम को एंकर बनाना था उनमें मेरा नाम भी आ गया। अब मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ओ ये क्या हो गया, इंटर्नशिप के बाद ट्रेनिंग एंकर ऑफर हो गया है तो मुझे तो इसको कंटिन्यू करना है। देन माय पेरेंट्स वांटेड मी टू कम बैक कराची एंड कंप्लीट करें, पढ़ाई अपनी मुकम्मल करें, बाद में देख लेंगे क्या करना है अपने और क्या नहीं करना। देन आई हैड वर्ड्स विद डॉक्टर अब्दुल वहाब जो प्रेजिडेंट थे मेरी यूनिवर्सिटी के, उनसे जिद लगाई मैंने, नहीं सर मैंने ये करना है ये वो, तो सर ने कहा नहीं बच्चे आपको वापस आना है और आपने पढ़ाई मुकम्मल करनी है पहले। तो मुझे वापस आना पड़ा, मुझे अपनी डिग्री मुकम्मल करनी पड़ी। थोड़ा डिसहार्टन में हुई थी, परेशान हो गई थी कि ये कैसे हो गया है, अब मैं क्या कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, कैसे होगा। फिर मैंने कराची में कुछ और इंटर्नशिप्स स्टार्ट की, मुख्तलिफ कॉरपोरेट इवेंट होस्ट किए। तो मैं जब HTV गई तो वहाँ पर भी 15-16 लोग बैठे हुए थे लाइन लगा के, एंकर बनना था, प्रोग्राम एंकर बनना था। तो उस HTV के उस प्रोग्राम में इंटरव्यू दे के, ऑडिशन दे के, मेरिट पर मैं डिसाइड हो गई। मुझे एक अच्छा सैलरी पैकेज HTV ने उस ज़माने में दिया, मैं बहुत खुश थी। हफ्ते में 2 दिन मेरा प्रोग्राम होता था और फिर इस तरह HTV में काम करते करते मैं समा आई। और समा में जब मैं आई तो समा का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त और बहुत डिफरेंट था। समा में मेरे जो बॉसेस थे फरहान मलिक साहब, खुर्रम बारी साहब, इन लोगों का मैं अगर नाम ना लूँ तो नाइंसाफ़ी होगी। इन लोगों ने मुझे बहुत ट्रेन किया, अपना बहुत टाइम मुझ पर लगाया, अपनी बहुत एनर्जी लगाई, मुझे सिखाया। अब एक छोटे TV चैनल की प्रोग्राम एंकर थी मैं और एक बड़े TV चैनल की न्यूज़ एंकर बनी, तो ये बड़ा फ़र्क था, दोनों TV चैनल्स की कैपेसिटी में बहुत फ़र्क था। तो उनका मुझे ट्रेन करना, सिखाना, लाइव स्टोरीज़ के ऊपर रोज़ाना कोई ना कोई टॉपिक्स देते रहना, उनको पढ़ते रहना, बहुत मुझे पता लगा कि अच्छा ये है जर्नलिज्म, तो बहुत मुश्किल काम है, तो मुझे डेली पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ से रोज़ाना पढ़ने की आदत मेरी बनी। 2016 में मैंने समा ज्वाइन किया, फिर समा काफ़ी टाइम मैंने काम किया, मेरे ख्याल से तकरीबन 3 साल 8 माह मैंने समा में काम किया। और जब मैं समा से जा रही थी तो उस वक्त मैं समा में एक प्रोग्राम एंकर बन चुकी थी और स्पोर्ट्स शो करती थी सिली पॉइंट के नाम से। और फिर मैंने डॉचे वेला के लिए अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि समा में रहते हुए मैं इंटरनेशनल मीडिया के लिए ट्राई कर रही थी। तो फिर मेरा डॉचे वेला में हुआ जब सिलेक्शन, तो डॉचे वेला की भी सिलेक्शन एक बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी सुनाएंगे आपको। तो वहाँ सिलेक्शन हुआ तो फिर मैं समा से खैर बात कह के जर्मनी चली गई। जर्मनी जब मैं वापस आई, 92 न्यूज़ लाहौर, एक बार फिर लाहौर में मैं गई, 92 न्यूज़ में न्यूज़ भी की, प्रोग्राम भी किया। फिर मैं 92 न्यूज़ से दोबारा कराची वापस आई और उसके बाद मैं 24 न्यूज़ गई। 24 न्यूज़ का एक्सपीरियंस बहुत थोड़ा सा है। अभी मैं 24 न्यूज़ में काम कर ही रही थी कि मुझे पाकिस्तान के सबसे बड़े TV चैनल और सबसे मशहूर TV चैनल ARY न्यूज़ से ऑफ़र हुई। और मैंने ये सोचा कि ARY न्यूज़ जाना चाहिए, ये एक वर्थ विजिटिंग एक्सपीरियंस होगा, मैं यकीनन यहाँ ज़रूर काम सीखूंगी। ये अप्रोच लेके मैं लाहौर से दोबारा कराची वापस आई और आज मुझे ARY के साथ काम करते हुए 1 साल हो गया है। तकरीबन फील्ड के अंदर मुझे 7 से 8 साल हो गए हैं और इन 8 सालों में मैंने कमोबेश 7 इदारों का एक्सपीरियंस लिया है, जिसमें लोकल और इंटरनेशनल जर्नलिज्म शामिल है। मैं ये अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैंने जो सोचा वो पा लिया, जो ख्वाहिश की वो मिल गया, मेहनत की और हासिल कर लिया। यही तवक्कल है कि अल्लाह ताला पर तवक्कल करें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अल्लाह ताला रास्ते बनाने वाला है। और इस तरीके से आज फिर मैं एक न्यूज़ एंकर बन गई। यकीनन आपने मेरे सफ़र से कुछ सीखा होगा। अभी तो मुझे लगता है कि स्टार्ट ही किया है, अभी तो रास्ता बहुत लंबा है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत कुछ हासिल होना बाकी है। तो पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस स्टोरी से, इस सक्सेस स्टोरी से आपने कुछ सीखा होगा। स्टिल अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं हमेशा कॉमेंट्स पर आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगी, मैं जवाब दूँगी आपकी बातों का। आप लोगों ने क्या करना है, मेहनत करनी है, अल्लाह पर तवक्कल करनी है, आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारनी। आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। और आप सबकी मोहब्बतों, चाहतों और प्यार का शुक्रिया। राफ़े आवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।